सुखबीर बादल ने सार्वजनिक रूप से मांगी है माफ़ी और ये भी कहा कि हमारे समय जो बेअदबी हुई है उसके लिए भी हम माफ़ी मांगते हैं। देखो मैं ये समझता कि सिर्फ तो सिर्फ एक राजनीति हो रही है, आज 8 साल बाद ये माफ़ी की सोच आई है। अज सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब की गल कर रहे हैं, 8 साल बाद दूजे सुबेर सैनी की मंगणगे, उस तो 8 साल बाद ये मंगणगे। मैं समझदा कि गलती दियां माफियां होंदियां, गुनाह दियां माफियां नहीं होंदियां। सो बादल साहब नूं अज जिहड़ी गल इन्होंने इत्थे कीती है, कुछ दिनों बाद इहदे उत्ते भी माफ़ी मंगनी पेगी। नमस्कार, मैं रवि कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पंजाब से बड़ी खबर। सुखबीर बादल ने सार्वजनिक रूप से मांगी है माफ़ी और ये भी कहा कि हमारे समय जो बेअदबी हुई है उसके लिए भी हम माफ़ी मांगते हैं। आरोपियों को, दोषियों को पकड़ने का मौका नहीं मिला, मगर अगर हमारी सरकार आती है तो उनको पकड़ा जाएगा और सजा भी दी जाएगी। तमाम मुद्दे पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान हरमी सिंह कालका क्या राय रखते हैं, आइए बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं सुखबीर बादल मंच पर आकर माफ़ी मांगते हैं, क्या मैसेज जा रहा है? देखो मैं ये समझदा कि सिर्फ तो सिर्फ एक राजनीति हो रही है, आज 8 साल बाद ये माफ़ी की सोच आई है। और माफ़ी किस गल दी? माफ़ी उस बजर गुनाह दी जिहड़ी आप अकाल तख्त साहब दी फजील ते खड़े होके सरदार सुखबीर सिंह बादल कह रहे कि मैं साड़ी राज दे विच पंथ दी सरकार दे राज दे विच इह गुनाह होया। और एक गुनाह दी माफ़ी भी कभी हो सकती है इन्ने वड्डे गुनाह दी? अगर एफओजे भी गुनाह दी माफ़ी अगर हो सकती है तो श्री अकाल तख्त साहब नूं इहदे उत्ते फैसला लेना चाहिए कि अज 8 साल बाद तुसीं एक प्रोग्राम दे उत्ते कह रहे हो कि साड़ी पंथ दी सरकार दे विच एक गलती हुई है और गुनाह होया जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेदबी हुई है। असी होर गुनाहों के बारे क्यों नहीं गल की जा रही? सुमेर सैनी वर्गे एक मैं कह सकता कि बुचर नूं DGP लगाया पंजाब सरकार ने, इस गुनाह की माफ़ी हुण अगले 8 साल बाद मंगणगे। उस तो बाद जिहड़ा एक केस सी राम रहीम के खिलाफ, स्टेट वर्सिज राम रहीम, और स्टेट की होंदी है सरकार और पंथ की सरकार रही होए। जिहड़ा बंदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज का भेस बदल के जिहदे खिलाफ अकाल तख्त साहब तो तुसीं पहले माफ़ी देती और स्टेट वर्सिज जिहड़ा केस चल रहा होए तुसीं उहनूं केस वापस ले लिया। सो एक किहड़े किहड़े गुनाह की माफ़ी मंग रहे हैं अज बादल साहब नूं, क्लीयर करना चाहिए। अज सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब की गल कर रहे हैं, 8 साल बाद दूजे सुबे सैनी की मंगणगे, उस तो 8 साल बाद ये मंगणगे। मैं समझदा कि गलती दियां माफ़ियां होंदियां, गुनाह दियां माफ़ियां नहीं होंदियां। और ये अगर अज माफ़ी वाले पासे तुरे ने तो जथेदार साहब अकाल तख्त साहब नूं इहदे उत्ते संज्ञान लैना चाहिए कि ये माफ़ी कौम कोलों दवा सकते ने कि नहीं दवा सकते। उन्होंने ये भी कहा अपने वक्तव्य में कि गुरुद्वारों पर बाहरी ताकतों ने कब्जा किया, उन्होंने पटना साहिब का एग्जाम्पल दिया, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का एग्जाम्पल दिया, किस तरीके से देखते हैं? हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। देखो मैं समझदा कि बादल साहब वैसे बाहरी ताकतों वो रह गई हैं जिहड़ी बादल परिवार चो बाहर हो जाए, जिहड़ा इन्हां दे कहन ते चलेगा वह ये पंथ की ताकत बन जाती है और जिहड़ी इन्हां दे कहन तो अलावा चल जाती है। मैं बादल साहब नूं याद दवाना चाहुंदा कि दिल्ली की उह संगत ने जिता के उस टीम नूं भेजिया सी जिन्हां नूं फतवा मिलिया, असी उन्हां लोगों नूं नाल नहीं लिया जिहड़े इत्थे कातलां नूं 84 दे कातलां नूं सरोपियां च गले पाते रहे हैं, गलियां दे विच सरोपे पाते रहे हैं। और असी अफोजे लोगों नूं नहीं लिया नाल जिन्हां ने अकाल तख्त साहब ते हमला किया होए। असी ओ पंथ दी साडी पार्टी है, ओ पंथ दे इत्थे नौजवान वीर ने जिन्हां ने इत्थे कोविड दे समें दे विच सेवा की है, पंथ दे हर मुश्किल दे विच आके इत्थे सेवा की है। वो लोगों की टीम इत्थे डेमोक्रेटिक सिस्टम दे नाल आई है। अज तुसी किहड़े कब्ज़ होण दी गल कर रहे हो? जद तुसी आप भाईवाल बन जाते हो किसी सरकारां दे ते वो सारा कुछ ना पाक साफ हो जाता है, और जद तुहाड़े तो बाहर निकल के कोई लोग अपनियां कमेटियां चलाण और सरकारां दे नाल एक सांझ रखन कि कमेटियां नूं चलाण वसे तो वो गैरपंथक हो जाती है। सो बादल साहब नूं अज जिहड़ी इह गल इन्होंने इत्थे कीती है, कुछ दिनों बाद इहदे उत्ते भी माफ़ी मंगनी पेगी। मैं समझदा आगामी 20 तारीख को दिल्ली में बंदी सिखों के लिए एक मोर्चा लगाया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि जिनके खून में अकाली हैं वो सब एक हो जाए। साफ तौर पर जो नाराज हुए नेता है उनको भी मनाने की कोशिश है। मेरा इशारा सुखदेव सिंह ढींसा की तरफ है, वरिष्ठ नेता है मगर उन्हें पार्टी में जो तवज्जो जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तभी वो पार्टी से निकलकर अलग हुए। ऐसे में क्या लगता है जो उनकी अपील है
तमाम लोग एकजुट हो पाएंगे और सुखबीर बादल के नेतृत्व में आगे आगामी चुनाव में नजर आएंगे? देखो, ये तो ढींडसा साहब ने फैसला लेना है, मगर मैनू नहीं लगता कि ढींडसा साहब वर्गा इन्ना सीनियर बंदा, जिन्हों का एको स्टैंड रहा है कि जिहड़ी पंथ की सरकार के समय विच गुरु ग्रंथ साहब दी बेदबियां हुई है और उन्होंने खिलाफ सरकार कुछ नहीं कर सके, और करन वाले कौन सी? ये बादल परिवार सी, और अज बादल परिवार का ही आप अकाली दल के मुखी होन और ढींडसा साहब उन्होंने दोबारा जाके उत्थे नाल बैठन, मैनू नहीं इहो जी गल लगती कि ढींडसा साहब इहो जिहा कदी कदम कर चुकनगे। अगर इहो जी गल कोई होंदी तो वह जरूर अज इस समय के नाल उन्होंने खलोंदे, और मैनू लगता है कि ये सिर्फ अफवाहां बनाई जांदियां। ढींडसा साहब वर्गा सूझवान आदमी कभी भी गैर पंथक लोगों के नाल कभी भी नाल जाके नहीं बैठेंगे। तो ये थे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मेन कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से मधवी मिश्रा, न्यूज़ 18।